सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर। तो गाइस, कि आप भी फ्री फायर पर टॉप करने जाते हो तो वहां पर दिखाता है पेमेंट कैन बी नॉट कंप्लीट, ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्यों होता है एंड इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का सबसे ईजी ट्रिक कौन सा है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो। और इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के हेल्पफुल वीडियोस के लिए। सो लेट्स सी गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस, यहाँ पर हम वीडियो में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये प्रॉब्लम क्यों होता है, उसके बाद आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम होता है एक तरीके से टेक्निकल, इसे बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि फ्री फायर चाहे किसी भी जगह पर आप कुछ भी टॉप करते हो या फिर कुछ भी खरीदते हो, तो वहां पर जो भी टॉप होता है वो गूगल प्ले स्टोर से होता है। मतलब पहले गूगल प्ले स्टोर पर कनेक्ट होता है, फिर गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आपका जो भीम UPI रहता है, जो भी गूगल पे फोन पे जो रहता है, वो सभी यहाँ से ही टॉप होता है। मतलब कि डायरेक्ट फ्री फायर आपके बैंक अकाउंट पर नहीं होता, पहले गूगल प्ले स्टोर पर होता है। तो ये आपस में दो तीन सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो कभी कभी ये कनेक्ट नहीं हो पाते, तो इसको टेक्निकली इससे बोल सकते हो। ये कभी कभी ऑटोमेटिकली भी सॉल्व होता है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसको फिक्स कराना पड़ता है। मतलब इसको आपको कस्टमर केयर से बात करके इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी हम जानते हैं इसको सॉल्व करने का सबसे ईजी ट्रिक कौन सा है एंड आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम कितनी देर में सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो भाई, तो क्या कर रहे हो यार, कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना। आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है गूगल प्ले स्टोर का ही होता है, मतलब फ्री फायर से इसका कोई चक्कर नहीं रहता, गूगल प्ले स्टोर में ऐसा ऑप्शन शो होता है। तो देखिए, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा हेल्प, हेल्प डेस्क का मतलब कि आपको कुछ भी यहाँ पर जरूरत पड़ता है तो हेल्प में आपको जाना पड़ता है। तो हेल्प डेस्क में आपको सिंपल से क्लिक करना है। इसके बाद गाइस, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे यहाँ पर देख सकते हो आस्क द हेल्प कम्युनिटी, इसमें आपको क्लिक करना है, आपको बातचीत करके इसको सॉल्व करना है। मतलब गूगल प्ले स्टोर का जो सर्वर होता है, मतलब कि गूगल प्ले स्टोर के कस्टमर सर्विस होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, उनसे आपको चैटिंग करके उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर क्रिएट यूर क्वेश्चन, मतलब आपका क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट डिटेल में आपको जो प्रॉब्लम है उसको बताना है, एंड यहाँ पर आपका जो डिस्क्राइब, मतलब जो कुछ भी आपको पोस्ट करना है वो है। तो यहाँ पर तीन मेथड आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद जो कस्टमर सर्विस है, जो कस्टमर केयर है, उससे आपको बात करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको बता दूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले माई क्वेश्चन में टाइप करना है, यहाँ पर लिखना है ट्रांजिशन फेल्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको सिंपल से लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसको आपको यहाँ पर सिंपल से टाइप करना है, ट्रांजिशन प्रॉब्लम या फिर पेमेंट कैन बी नॉट कंप्लीट। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन फेल्ड प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो यहाँ पर आपका पहला जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, हमको दूसरा कंप्लीट करना है, फिर तीसरा कंप्लीट करना है। तो दूसरा प्रोसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर पहले शो हो जाएगा, जो प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया था, मतलब कि टाइप किया था, यहाँ पर ट्रांजिशन एरर आ रहा है, ट्रांजिशन यहाँ पर कैन नॉट बी कंप्लीट, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया था। फिर इसमें गाइस, आपको यहाँ पर अपने डिटेल देना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो नीचे में दिखा रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी आपको चूज करना है, और यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर और भी मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको भरना है, आपको अपना डिटेल देना है, मतलब कुछ खास डिटेल देना है। तो देखिए, यहाँ पर आपका प्लीज कैटेगरी में क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्स गेम्स कार है, तो आपका कौन से कैटेगरी में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि गेम्स या फिर कुछ भी ऐसा बाय कर रहे हो, किस कैटेगरी का है। तो हमारा गेम्स है फ्री फायर है, तो फ्री फायर वाला गेम्स यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म में आपको फिर से प्लीज सेलेक्ट में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर एंड्रॉइड सेलेक्ट करना है, मतलब कि अगर आप रियलमी, माइक्रोमैक्स, MI, वीवो, ओप्पो या फिर कोई भी ऐसा फोन यूज करते हो जो एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड को सेलेक्ट करना। अगर आप एप्पल का डिवाइस यूज करते हो तो यहाँ पर एप्पल भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मोबाइल अदर में क्लिक कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। तो एंड्रॉइड ही सेलेक्ट करना, क्योंकि 99% बंदे भाई एंड्रॉइड ही चलाते हैं। अगर आप एप्पल का यूज कर रहे हो तो iOS सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर आप नीचे वाला दिखा रहा है ID लाइक टू, फिर प्लीज सेलेक्ट में क्लिक करना, एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर वो लोग पूछ रहे हैं कि आपको इसके बारे में जानना है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, या फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना है, फिक्स एंड द इश्यू और प्रॉब्लम, मतलब इसको आपको टैप करना है। फिर यहाँ पर कंटिन्यू में सिंपल से क्लिक करना, कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको जो तीसरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर तीसरा जो प्रोसेस है, वहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, बॉक्स में आपको कुछ फिल करके एंटर करके आपका जो प्रॉब्लम है उसको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पर लिख देना है ट्रांजिशन कैन बी नॉट बी कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ, वैसे ही आपको टाइप कर देना है। तो देखिए, आपको कुछ ऐसा ही टाइप करना है, कुछ उल्टा सीधा टाइप मत करना, नहीं तो आसानी से रिप्लाई नहीं देते। मतलब कि आपको कुछ ऐसा टाइप करना है जो सरल भाषा में हो। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखा देगा यहाँ पर सब्सक्राइब एंड अपडेट, तो यहाँ पर क्लिक कर देना जो आपका बटन है उसमें। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट, तो आई एम नॉट ए रोबोट में यहाँ पर आपको एक पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो पिन के ऑप्शन में यहाँ पर आपको कुछ फाइल को ऐड करना है। अब आपको कौन सा फाइल ऐड करना है, आपने जहाँ पर फ्री फायर टॉप अप किए थे तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन फील्ड वाला जो इंटरफेस आ रहा है उसको आपको, उस नोटिस को आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट को यहाँ से अपलोड कर लेना, ठीक है। उसको आपको अपलोड करना जरूरी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो उसको आपको उसी स्क्रीनशॉट को आपको लेकर यहाँ पर अपलोड कर लेना, एंड यहाँ पर पोस्ट कर देना। पोस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हो,
यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर जो भी अपना रिप्लाई था वो अभी नहीं मिला है, तो रिप्लाई के यहाँ पर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका जो पोस्ट है वो कुछ ही देर में आपको वो लोग रिप्लाई दे देंगे कस्टमर सर्विस से, तो यहाँ थोड़ा वेट करना है। अगर ऐसे में नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको वापस से आना है, फिर यहाँ पर देखना कोई रिप्लाई आया है या नहीं आया। एंड अगर ऐसे में सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, मतलब कि आपका जो पोस्ट है वो कस्टमर सर्विस वालों को मिल गया है, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, इसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं है जिससे आप जो प्ले स्टोर का ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दिया, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।